नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, भाई साहब का नाम है लकी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो कि आपने हमारे चैनल के साथ कमेंट किया है और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि और भी बहन भाई देख रहे हैं, आपके भी मन में कोई सवाल है, आप भी कॉमेंट के अंदर डाल करके पूछ लेना। भाई आप किस विषय में जानना चाहते हो, कोई दावत के बारे में, रेसिपी के बारे में या कोई फिर मसाले के बारे में, ठीक है ना। आज का जो इनका सवाल है, उस सवाल के विषय में हम पढ़ के देखते हैं इन्होंने क्या सवाल किया है। बूंदी पर फफूंदी क्यों आ जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका, जो कि भाई साहब को एक ही बात बताना चाहूँगा। भाई साहब बूंदी बूंदी की मत बात करना। जो कि आज हम देखने वाले हैं, लड्डू है हमारे पास, या फिर मूंग के लड्डू है, बर्फी है, या खुरमे है, या जलेबी है, कोई भी आइटम है, उस सभी आइटम के अंदर फफूंदी आती है। वो कब आती है भाई साहब? यदि मान लीजिए हमारे पास चौमासे का टाइम है, ठीक है, चौमासे के अंदर मान लीजिए 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो गई, उस बारिश के अंदर जो भी आपका आइटम है, उस आइटम में चिड़पड़ाहट और फफूंदी आने के बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या मौसम होता है, जो कि अधिक ज़्यादा होता है, सर्दियाँ ज़्यादा होती है, उस टाइम पर भी ये मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार सर्दी अधिक हो जाती है ना, उस टाइम पर यदि घाम नहीं निकलता है, उस टाइम पर भी अधिक चांस बनते हैं फफूंदी आने के। एक ली बूंदी की बात नहीं करने वाला भाई साहब मैं, जो भी आइटम है या मिठाई है, कोई भी आइटम हमारा मिठाई के लेवल में, उन सभी आइटम पर ही फफूंदी आ जाती है। इनको बचाने के लिए क्या है, जैसे कि आपने कई बार रेस्टोरेंट में या होटलों में कहीं पर देखा है, जो कि एक शोकेस सा होता है, शोकेस के अंदर एक बल्ब लगा करके रखते हैं समोसे गर्म करने के लिए, वो एक उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस रखता है, जो कि टेम्परेचर हाई रखता है, उसमें नमी नहीं आती। इसी प्रकार से कोई अपना ऐसा रूम या अपना एक शोकेस होना चाहिए, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस बना हो, जिससे ताकि उनमें नमी ना पहुंचे, नमी को वो सूख ले। या तो भाई हमने एक हमारा शोकेस है, शोकेस के अंदर 200-200 वाट के दो बल्ब लगा दिए, उसके अंदर हमारी मिठाई है, सर्दी के टाइम पर उस नमी को वो सोख लेगा, इससे आपकी मिठाई में बचने का बहुत ही अच्छा चांस हो जाता है, उसके अंदर फफूंदी नहीं आती। ये आज का उपाय था हमारा, जो कि मिठाई को बचाने के लिए। इसी प्रकार से आप मिठाई को बचा सकते हो, यदि उनको नमी मिल जाती है तो फफूंदी आएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।